हरे कृष्णा राधे राधे। मैं सीता सुमाधुरी आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, बोलिए गिरिराज महाराज की जय। गोवर्धन पूजा आने वाला है, इसलिए आज का वीडियो गोवर्धन पूजा से रिलेटेड होने वाली है। पहले भी गोवर्धन पूजा से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस की लिंक दे दूंगी। गोवर्धन परिक्रमा करते समय कौन कौन से गलतियाँ नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड करी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गोवर्धन जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। गोवर्धन, गो यानी कि गाय काउस, और वर्धन यानी कि नरिशमेंट, पालन करना। तो ये एक मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग है, गो का मतलब होता है सेंसेस, इंद्रिय, और वर्धन का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो इसका मतलब है कि गोवर्धन गायों का पालन करता है, नरिश करता है, नरिशमेंट करता है काउस का। और दूसरा मीनिंग है, ये हमारी इंद्रियों को आकर्षित करता है भगवान श्री कृष्ण की तरफ। तो ये गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है, इट इज़ नॉन डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्ण। ये भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण के हृदय से इनकी उत्पत्ति हुई थी श्रीमती राधा रानी की इच्छा के वजह से। तो इसलिए गोवर्धन पर्वत में और भगवान श्री कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और ये जो गिरिराज धरन लीला है ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये जो गोवर्धन पूजा होता है इसको अन्नकूट महोत्सव भी बोला जाता है, इस दिन गौ पूजा भी होता है। तो मैं अब बताऊंगी कि गोवर्धन पूजा जो होता है इसको कैसे, कहाँ कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है। तो दिवाली के फोर्थ डे पे गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। कुछ लोग घर पे भी गोबर से गोवर्धन पूजा का सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है, गौ पूजा होती है इस दिन धूमधाम से। इस दिन लाखों भक्त गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं। इस दिन अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है, जिसका मतलब है अन्न का पहाड़, यानी कि 108 तरीके की भोग या 56 तरीके की भोग भगवान को ऑफर किया जाता है। ये जो दिवाली का फेस्टिवल है ये फेस्टिवल से भरा हुआ है। ये स्टार्ट होता है धनतेरस से, उसके बाद नरक चतुर्थी, काली पूजा, और साथ ही साथ दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज से ये खत्म होता है। गोवर्धन पूजा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के घमंड को चूर कर उन्हें पराजित किया था। इंद्रदेव क्रोध में अपना प्रकोप दिखाते हुए ब्रज में भारी वर्षा करवा रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को बारिश और बाढ़ से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ के कनिष्ठ उंगली से उठाकर पूरे ब्रज के ऊपर छावनी की तरह खड़ा कर दिया था। तभी से ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत को पूजा करने लगे। इसी घटना के बाद से प्रत्येक वर्ष गोवर्धन पूजा का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है, उन्हें कई तरह के पकवानों के भोग अर्पित किए जाते हैं। कृष्ण के बाल रूप प्रतिमा का श्रृंगार कर उसकी पूजा भी की जाती है। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा करने का विधान है। इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अन्नकूट की तैयारी करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और सुख समृद्धि बढ़ती रहती है। ऐसा भी माना जाता है एज इस दिन गौ पूजा की जाती है, गौ माता की नियमित रूप से सेवा करने से और उनके स्पर्श से शरीर में किसी भी तरीके का चर्म रोग नहीं होता है। तो आप सभी को पता होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो उनको बहुत ज़्यादा नज़र लग जाती थी, तो उनका नज़र उतारने के लिए उनको गाय के पास लेके जाते थे। तो गाय क्या करती थी, उनका पूछ, गाय जब किसी के ऊपर पूछ मारती है तो उनका नज़र, उनकी नज़र उतर जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को गौ माता के पास लिया जाता था, लेके जाया जाता था, और उसके बाद गौ माता अपना पूछ मारती थी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, उसके बाद उनका नज़र उतर जाता था। ठीक उसी तरीके से अभी भी ये मान्यता है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो या आप बैठे हो और गौ माता आपके ऊपर आके अपना पूछ मारती है तो आपके जितने भी दोष है वो कट जाते हैं, आपकी नज़र उतर जाती है, आपका पाप मिट जाता है, क्योंकि गौ माता के अंदर सभी देवी देवताएं
विराजमान है। गौ माता को अगर हम समझेंगे कि बहुत साधारण कुछ है, बहुत ऑर्डिनरी कुछ है, तो ये हमारी गलती है। गौ माता भगवान की बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और वो होती है, वो सब समझती है, वो हमारी माँ होती है, वो समझ सब समझती है कि हमारे दिल में क्या चलता है। इसलिए कभी भी अगर गौ माता आपके ऊपर आके पूछ मारती है तो ये समझना होगा कि भगवान भी आप पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, साथ ही साथ गौ माता भी आप पे बहुत ज़्यादा खुश है कि वो आके आपके ऊपर पूछ मार रही है। और इससे ही समझ आएगा कि आपकी जितना भी खराब टाइम है वो अब कट चुका है। स्कंद पुराण में भी वर्णित है कि गोवर्धन पूजा में गौ माता की सेवा करने से और गौदान करने से हमें बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होती है, हमारे मृत्यु का भय दूर हो जाता है, सारे दोष कट जाते हैं और साथ ही साथ सारे काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। तो शास्त्र में गौ माता को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। माता लक्ष्मी हमें गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है, सुंदरता प्रदान करती है, धन प्रदान करती है। तो अगर माता लक्ष्मी विराजमान ना हो तो उस जगह में हमेशा द्वेष, द्वंद्व, झगड़ा ये सब पैदा होता है और उस जगह में कभी भी शांति नहीं रहता है। इसलिए हमेशा माता लक्ष्मी हमारे आसपास विराजमान रहे, ये हमें कोशिश करते रहना चाहिए। और जब भी वो हमें हमसे क्रोधित हो जाती है, हमें हमारे हमारा घर छोड़ के चली जाती है या हमारे आसपास से चली जाती है, तभी मानना होगा कि हमारे घर में अशांति पैदा हो रही है या हमारे घर में धन दूर हो रहा है या कोई भी सुख समृद्धि नहीं है। माता को माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है, तो इसलिए गोवर्धन पूजा में गौ माता की पूजा करनी चाहिए। सिर्फ गोवर्धन पूजा में नहीं, डेली गौ माता की पूजा सेवा करनी चाहिए। ऐसा माना गया है कि माता लक्ष्मी हमें धन प्रदान करती है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि धन की आवश्यकता है, अवश्य है भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि कुछ भी इस संसार में परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। अगर हम लोगों की भी बात करें तो लोग भी आते जाते रहते हैं, कोई भी हमारे साथ परमानेंट नहीं रहता है। उसी तरीके से अगर हम किसी मटेरियल चीज़ की बात करें, पैसों की बात करें, वो भी टेम्पररी चीज़ है, उसके प्रति हमें अटैच नहीं होना चाहिए। लेकिन हम अगर परम धन की बात करें तो हमारा परम धन है भगवान श्री कृष्ण। गौ माता भगवान श्री कृष्ण की बहुत ज़्यादा क्लोज है, जहाँ पे गाय नहीं है वहाँ पे भगवान भी नहीं है। इसलिए गौ माता जो कि स्वयं लक्ष्मी है, उनसे हमें परम धन की कृपा प्रार्थना करना चाहिए। उनसे हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो परम धन है भगवान श्री कृष्ण, उनका प्रेम हमें प्राप्त हो, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो, क्योंकि वही एक चीज़ परमानेंट है, वही एक चीज़ है जो हमें इस संसार की जो बंधन है उससे मुक्त कर सकता है, इस संसार की जो दुख है। किसी भी इंसान से हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं ना, तो वो हमें छोड़ के चला जाता है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब वो हमारे एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तब हम निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट है कि हम इस संसार के लोगों से एक्सपेक्टिव क्यों करें, अगर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आशा नहीं रखेंगे तो हमें निराशा भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए कि जो हमारे परम पिता है, परम मित्र है, परम स्वामी है, परम पति है भगवान श्री कृष्ण, उनसे हम एक्सपेक्टेशन रखें, वो कभी भी हमें दुखी नहीं करेंगे। जब भी हम दुखी होते हैं तब हम उनको सबसे ज़्यादा याद करते हैं और जब खुश हो जाते हैं तब उनको भूल जाते हैं। लेकिन इसलिए तो माता कुंती ने बोला था कि मुझे और ज़्यादा दुख दो, क्योंकि दुख में होंगी तभी मुझे आपकी याद आएगी। तो इसी तरीके से हमें उनकी जैसा माता कुंती से इंस्पायर होना चाहिए कि कितनी महान भक्त थी, सब लोग खुशी मांगते हैं, वो दुख मांग रही है भगवान से। उसी तरीके से हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए, अगर हम खुशी में है, सुख में है, तो याद रखना होगा कि ये सुख परमानेंट नहीं है, कुछ दिन बाद ये चला जाएगा, फिर दुख आएगा। जैसे दिन आता है, रात आती है, वैसे ही सुख भी आता है, दुख भी आता है। दोनों चीज़ें नहीं है तो ज़िंदगी भी नहीं है। अगर सुख है तो भगवान को थैंक यू करना चाहिए कि उन्होंने हमें सुख दिया है, और अगर दुख है तो ये समझना होगा कि भगवान ने हमारे लिए और बेटर कुछ सोच के रखा है, इसलिए हमारी ज़िंदगी में दुख है। गोवर्धन पूजा के बहुत सारे बेनिफिट्स है, स्पेशली गौ पूजा के बहुत सारे बेनिफिट्स है। अगर मैं गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन परिक्रमा लगाने के लिए गई तो ज़रूर आप सबके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी और आप सबको दर्शन कराऊँगी। तो यही थी वीडियो आज के लिए। बहुत सारे वैसे बेनिफिट्स है, मैंने थोड़ा बहुत शेयर किया, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।